मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। फिर वो परिश्रम करता है, संघर्ष करता है और उसे उसका फल भी मिलता है। वो अपने संसाधन स्वयं खड़े करता है और उसके जीवन में तब तक कोई भय नहीं आता जब तक वो कुछ पा न ले। एक बार उसने कुछ पा लिया, उसके पश्चात उसे खो देने का भय ये मन में जन्म लेता है। फिर वो भाग्य, ज्योतिष, प्रारब्ध इन्हें देखने पर विवश हो जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप इस संसार में जब आए क्या लेके आए थे जो आज खो दोगे? कुछ नहीं। आपके वश में आपके जीवन के केवल वो पल है जो आपके हाथ में, अन्य कुछ भी नहीं। आपके हाथ में है आपके कर्म। जो जीवन में भाग्य से निराश नहीं होते, जो असफलताओं से टूटते नहीं, वही इस जीवन में विजयी होते हैं। मुझे बताइए, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपने क्या किया? परिश्रम किया, संघर्ष किया और वो सब कुछ पा लिया जो आप पाना चाहते थे। तो आज सब पा लिया है तो भय किस लिए? क्या ये संसाधन आपको परिश्रम करने से रोकते हैं? नहीं। इसलिए अपने हाथों की रेखाओं में अपना मार्ग कभी ना ढूंढें, क्योंकि संसार में जिनके हाथ नहीं होते वो भी निश्चय से अपना स्वयं का प्रारब्ध स्वयं बना लेते हैं। आप किस बात की चिंता करें? राधे राधे।